Hello everyone, today I am here to discuss a very important topic, which is the Unified Pension Scheme. तो recently Government of India ने Unified Pension Scheme का launch किया है, ठीक है, and this will be applicable from the April 1, 2025. And ये जो scheme है, D.B. Somnathan Committee का जो recommendation है, उसके recommendation के तहत implement किया जा रहा है. एंड यूनियन कैबिनेट ने ये रिसेंटली अप्रूव किया है, ठीक है. तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. एंड यहाँ पे 50% अश्योर्ड पेंशन सेंटर अश्योर कर रहा है, ठीक है. तो फॉर दिस रीजन दिस स्कीम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस रिगार्ड विल डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम्स इन इंडिया. विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, OPS, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम एटसेट्रा. तो ये सब का हम डिफरेंस भी जानेंगे. द यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रपोजेस द एमलगेमेशन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम. तो यहाँ पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम है एंड जो न्यू पेंशन स्कीम है, दोनों का फीचर्स एमलगेमेट किया जा रहा है. दोनों का फीचर मिक्स करके नया पेंशन स्कीम लाया जा रहा है इंडिया में, ठीक है. तो अगर हम एवोल्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम्स देखेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम चलता था, ठीक है. तो इंडिया में January 1, 2004 से आगे जितना भी पेंशन था वो ओल्ड पेंशन स्कीम OPS था तब, ठीक है. एंड January 1, 2004 के बाद इंडिया में नया पेंशन स्कीम लाया गया एंड ये पेंशन स्कीम का नाम न्यू पेंशन स्कीम रखा गया, ठीक है. तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करने के लिए NPS लाया गया एंड इसके बाद रिसेंटली एक नया स्कीम इंप्लीमेंट किया जा रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी नेम्ड एज यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम April 1, 2025, ठीक है. एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन UPS, NPS एंड OPS, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है. तो UPS, OPS एंड NPS में काफ़ी सारा डिफरेंस है. फर्स्ट तो एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए ही है, ठीक है. तो ये प्राइवेट इंप्लॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. बट NPS इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. एंड जो ओल्डर पेंशन स्कीम था जो January 1, 2004 से आगे चलता था इंडिया में, ये रिटायर्ड इंप्लॉयज के लिए है, ठीक है. रिटायर्ड गवर्नमेंट इंप्लॉयज, नॉट द प्राइवेट इंप्लॉयज. एंड पेंशन कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है 50% ऑफ एवरेज लास्ट मंथ सैलरी ऑफ 25 years ऑफ सर्विस. तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई 25 years सर्व करता है तो उसका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% जो सैलरी है उसको एज अ पेंशन दिया जाएगा. एंड जो न्यू पेंशन स्कीम था, नेशनल पेंशन स्कीम, ये मार्केट बेस्ड था, ठीक है. तो इसका मतलब ये था कि जो NPS स्कीम था, देर वॉज नो अश्योर्ड पेंशन. अगर इंडिया का मार्केट ग्रो होता है तो पेंशन भी ज़्यादा मिलेगा, अगर मार्केट लो है तो पेंशन भी कम मिलेगा. दैट मीन्स जो NPS है, NPS मार्केट लिंक्ड है, ठीक है. क्योंकि NPS से जितने भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया जाता था इम्प्लॉयज से, ठीक है, इम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर से, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता था, ठीक है. इसीलिए मार्केट से जो रिटर्न मिलता था वही पेंशन के तरह दिया जाता था एम्प्लॉयज को. सो फॉर दिस रीजन NPS वॉज अ मार्केट लिंक्ड स्कीम एंड देर वॉज नो अश्योर्ड इनकम, ठीक है, और दी अश्योर्ड पेंशन. एंड जो ओल्ड पेंशन स्कीम है 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में भी 50% जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी दिया जाता है. तो ये सिमिलरिटी है जो UPS एंड OPS में. एंड एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 10% ऑफ बेसिक प्लस DA. एंड एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम में 10% ऑफ बेसिक प्लस DA. तो यहाँ पे UPS एंड NPS में सिमिलरिटी है. बट ओल्ड पेंशन स्कीम में देर वॉज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो ओल्ड पेंशन स्कीम का एडवांटेज ये था कि ये कम्प्लीटली एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन से चलाया जाता था, ठीक है. सो देर वॉज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इम्प्लॉयज. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है. तो इम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये न्यू पेंशन स्कीम एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं है, ठीक है. एंड एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर ज़्यादा रखा गया. एंड इन केस ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, इट इज 14% ऑफ बेसिक पे. एंड इन केस ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम फुल कॉस्ट, तो जितने भी पेंशन होता था पूरा एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट करता था. तो इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का काफ़ी लॉस हुआ क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा पेंशन देना पड़ता था, एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है. एंड मिनिमम सर्विस फॉर द पेंशन, तो पेंशन मिलने के लिए मिनिमम सर्विस कितना रहना चाहिए, 10 years रहना चाहिए इन केस ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम. न्यू पेंशन स्कीम में देर इज़ नो मिनिमम सर्विस, ठीक है, आपको मिनिमम सर्विस पीरियड वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. यू डोंट हैव टू सर्व फॉर द मिनिमम पीरियड फॉर द न्यू पेंशन स्कीम. एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में 10 years है. तो ये OPS एंड UPS में अगेन सिमिलरिटी हुआ. एंड मिनिमम पेंशन
रुपीज 10,000 फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, नो डिफाइंड अमाउंट एंड एम्प्लाइड वाया डियरनेस अलाउंस। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिनिमम आपको पेंशन मिलने वाला है कितना है 10,000, ठीक है। सो यू विल गेट 10,000 रुपीज ऑफ अश्योर्ड इनकम इफ यू हैव वर्क्ड फॉर 10 ईयर्स। तो अगर आप काम किए कोई गवर्नमेंट कंपनी में 10 साल के लिए तो आपको 10,000 अश्योर्ड इनकम आपको मिलने वाला है। बट न्यू पेंशन स्कीम में उसमें कोई अश्योर्ड इनकम नहीं था क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम कम्प्लीटली मार्केट रिटर्न्स में डिपेंड करता था एंड ओल्ड पेंशन स्कीम का जो पेंशन था वो डियरनेस अलाउंस में डिपेंड करता था, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड फैमिली पेंशन का प्रोविजन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो कितना है 60% ऑफ द पेंशन ऑन डेथ, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो इम्प्लॉई है उसका डेथ होता है तो 60% ऑफ द पेंशन वुड बी गिवन टू द फैमिली। बट NPS डिपेंड्स ऑन द रिटायरमेंट कॉर्पस एंड एन्युइटी, ठीक है। तो NPS के तहत फैमिली को जो पेंशन मिलेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द इम्प्लॉई डेट विल डिपेंड ऑन द कॉर्पस दैट हैज बीन एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो जितना कॉर्पस जमा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रोविजन ऑफ NPS। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओल्ड पेंशन स्कीम में एक एडवांटेज क्या है कि जो पेंशन जो इम्प्लॉई को मिल रहा था वही पेंशन फैमिली को दिया जाएगा। सो द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड पर्सन विल गेट द इक्विवेलेंट पेंशन दैट द इम्प्लॉई इज गेटिंग, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे पेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, अगर इम्प्लॉय का डेथ भी हो जाता है तो इक्विवेलेंट पेंशन मिलेगा फैमिली को। एंड सो फार एज द इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न्ड वी डिस्कस्ड अबाउट इट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है April 1, 2025 से होगा UPS का, NPS का भी डिस्कस अबाउट इट एंड OPS का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड डिस्कसिंग अबाउट द प्रोविजंस ऑफ UPS, UPS का जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है यहाँ पे अश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ इम्प्लॉयज एवरेज बेसिक पे ओवर द 12 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम 25 ईयर्स का सर्विस होता है तो इनको कितना मिलेगा 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ऑफ द 12 मंथ, ठीक है। अगर मिनिमम 10 ईयर्स का सर्विस रहता है तो कितना मिलेगा उनको 10,000 रुपीज़, ठीक है। जो 10,000 रुपीज़ है मिनिमम पेंशन मिलेगा इनको एंड अश्योर्ड फैमिली पेंशन। तो अगर रिटायरी का डेथ हो जाता है, इम्प्लॉयज का डेथ होता है तो 60% ऑफ द पेंशन ड्रॉन बाय द रिटायरी। तो अगर रिटायरी का जो लास्ट ड्रॉन पेंशन था 50,000, ठीक है, तो 50,000 का 60% दैट इज 30,000 would be given to the family as pension। And indexation, तो inflation का indexation है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही important point है। So we all know that the inflation is universal, ठीक है। तो inflation होता ही है every year the value of money decreases, ठीक है, because the price of goods services increase होता है। तो money का जो है value decrease होता है। तो ये inflation को adjust करने के लिए inflation indexation का provision है UPS में। तो this point is very important and this inflation indexation is based on All India Consumer Price Index of Industrial Workers। तो यहाँ पे inflation indexation जो है ये CPI IW के according है, ठीक है, industrial workers not agricultural workers। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो CPI का बहुत सारा टाइप्स है, CPI रिटेल होता है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स होता है, CPI एग्रीकल्चरल लेबर्स होता है। तो यहाँ पे जो इंडेक्सेशन कर रहा है ये इट इज़ बेस्ड ऑन दी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दी लंपसम पेमेंट एट रिटायरमेंट। सो अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजुएटी द एम्प्लॉयज विल बी गेटिंग द लंपसम अमाउंट एज वेल एंड दैट लंपसम अमाउंट विल बी इक्विवेलेंट टू 1/10 ऑफ देयर मंथली अमाउंटमेंट्स विच इज पे प्लस डियरनेस अलाउंस एज द रिटायरमेंट डेट ऑफ एवरी 6 मंथ्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लंपसम अमाउंट है 1/10 ऑफ लास्ट 6th मंथ का जो सैलरी है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लंपसम अमाउंट आपको याद रखना है 1/10 ऑफ 6th मंथ। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज द चॉइस ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज हैज अ चॉइस फर्दर टू चूज द ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और UPS, ठीक है। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू ऑप्ट फॉर द UPS, ठीक है। तो दे कैन ऑप्ट फॉर OPS, NPS, एनी स्कीम्स। सो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट का एक नया स्कीम है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। विल कम अप विद अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।